कुछ दिन पहले की बात है, 45 साल की मेरी एक फ्रेंड की मौत हो गई थी। बस 8 दिन की बीमारी का ही बहाना हो गया और वो हमेशा के लिए सबसे दूर चली गई। कुछ महीने बीतने के बाद मुझे लगा कि उसके घर का हालचाल पूछना चाहिए, क्योंकि उसके पति की नौकरी थी, उसके कारण उन्हें ज़्यादातर घर से बाहर ही जाना लगता था। उनका काम एक ही जगह पर नहीं था, उसी वजह से मेरी फ्रेंड ही घर का सब कुछ देखती थी। बच्चों की पढ़ाई, उनकी बीमारी, मेहमानों का आना जाना, हर चीज़ वही देखती थी। फ़ोन लगाते समय मैंने सोचा कि उसका हस्बैंड ये सब जिम्मेदारियाँ कैसे संभालता होगा। काफ़ी देर तक मोबाइल की घंटी बजती रही। एक घंटे के भीतर उन्होंने मुझे रिटर्न फ़ोन किया। वे बोले, माफ़ करना बहन, मैं आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मैं अब शाम को टेनिस खेलने के लिए जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ और अच्छा समय बिताता हूँ। फिर मैंने पूछा, आपकी जॉब? तो उन्होंने कहा, मैंने यहाँ पे ही ट्रांसफ़र करके ली है और खाना बनाने के लिए एक महिला को रखा गया है, माँ बाप को देखने के लिए एक केयर टेकर रखी है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये सब कुछ सुनते ही मेरे आँखों में पानी भर आया और मैंने थोड़ा कुछ बोल के फ़ोन रख दिया। मेरी फ्रेंड की तस्वीर मेरे आँखों के सामने से नहीं जा रही थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली और घर को ही ज़्यादा महत्व देती थी। इसके कारण वो हमारे साथ ज़्यादातर घूमने भी नहीं आती थी। अब मैं उसे बताना चाहती हूँ, श्रीमती जी आप नहीं हो अभी तो आपके पीछे कुछ रुका हुआ नहीं है। आपके जाने के बाद सिर्फ 2 महिलाएं रखी है जो घर का सारा काम करती है। घर के कारण हम अपनी कदर नहीं करते और खुद को महत्व नहीं देते, ये सच है ना? मेरे सिवा मेरे घर का कैसे होगा? इससे बाहर निकलो, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। इसके माध्यम से हम महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि आप घर के सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि काम अंतहीन है। जिन स्त्रियों ने ऐसा करने का प्रयास किया वे बीमार हो गई और शीघ्र ही परमेश्वर को प्रिय हो गई। काम के बीच में आराम करने के लिए समय ज़रूर निकालें, ये कोई पाप नहीं है। यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो इसे छिपाइए मत, इसके लिए योग्य डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है, लापरवाही न करें। अगर आपको एक दिन खाली समय मिले तो अपनी मेमोरी बॉक्स खोलकर देखें कि आपको क्या क्या पसंद है, जैसे कि गाने सुनना, ड्राइंग करना, डांस करना, किताबें पढ़ना, टीवी देखना, गार्डन में घूमना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस समय को अपने लिए उपयोग करके देखें और देखो आपका मूड कैसे फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा खुद के लिए जीना सीख लो, क्योंकि आप खुश रहोगे तो घर को खुश रख पाओगे। खुद के लिए जियो, खुद से प्यार करो, लोगों का क्या है, जिंदगी में आते जाते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।